Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. His energy. Yeah, bro. Wow. Oh man, that's Rajkumar Rao in the house. Yeah. That's Kriti Sanon in the house. Yeah. That's Achcha Yadav in the house. Yeah. That's enough, bro. I'll be okay. Oh my God. मैं आप लोगों को देख के कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकते हैं. सच में मैं बता रही हूँ. Sir. मैं आपको White Tiger आपका फिल्म देखे थे. Oh yeah, Hollywood. उसके अंदर आपने एक्सेंट कॉपी किए. Oh yeah, I tried. मैं देखे. I tried. और आपको पता है कृति जी? जी. मैं आज ये कपड़े क्यों पहन के आए हैं? क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे अपने मन की बात करने वाले हैं. वो भी पहने क्योंकि उनका दिल भी आपके लिए डक डक करते हैं. अरे भाई, मैं आपको सच बताए, मैं इतना हर्षो उल्लास के साथ आए हैं, इतना खुश आए हैं. उल्लास, I mean, hey. Yeah, thank you. I mean, इतने मेरे को आते हैं. तुम easy easy बोला करो रशिया के संजय दत्त, हमें समझ में नहीं आता तुम. ये कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते ऊपर क्यों लगाया है तुमने? मेरा स्टाइल है ब्रो, इट्स स्वैग. स्वैग. ये एंटीना बढ़ता जा रहा है. Yeah, man, I'm a growing boy. You're a growing boy. तो एनीवेज मैं आपको बता रहे, मैं इतने बड़े फैन है, मेरा दो कजिन्स है, वो दोनों भी आपके बहुत बड़े फैन है, आपसे मिलना चाहते हैं. इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनको इधर बुला सकते हैं? यस यस, आप डोंट माइंड? यस यस. तो ए आ जाओ, आ जाओ. कजिन्स हैं मेरे दोनों, इधर आ. ए नाउ लुक एट दैट, दैट्स कृति सैनन, राजकुमार राव जी. हेलो. ये मेरे कजिन्स है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं. नहीं सर, मैं छोटा हूँ और मैं बड़ा हूँ. ओह सॉरी सॉरी, क्या है कि हाइट को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये जो हाइट में छोटे हैं ये उम्र में बड़े हैं, ये जो हाइट में बड़े हैं ये उम्र में छोटे हैं. तो थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं. इतना कंफ्यूजिंग क्या है? जो हाइट में बड़ा है वो छोटा है और जो हाइट में छोटा है वो बड़ा है, इसमें इतना से तो है. नहीं नहीं, कंफ्यूजन इधर खत्म नहीं होते हैं. ये जो हाइट में छोटे हैं उम्र में बड़े हैं, इसका नाम छोटे है. और ये जो हाइट में बड़े हैं उम्र में छोटे हैं, इसका नाम बड़े हैं. अच्छा. लेकिन कंफ्यूजन इधर भी खत्म नहीं होते हैं. फिर ये जो हाइट में छोटे हैं उम्र में बड़े हैं, नाम जिसका छोटे है, ये मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे हैं. और ये जो हाइट में बड़े हैं उम्र में छोटे हैं, नाम जिनका बड़े, ये मेरे बड़े पापा के छोटे बेटे हैं. कंफ्यूजन इधर भी खत्म नहीं होते हैं. मुझे चक्कर आ रहे. ये जो हाइट में छोटे हैं उम्र में बड़े हैं, नाम जिनका छोटे है, जो मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे, ये एक बहुत ही छोटे शहर में बड़े घर में रहते हैं. और ये जो हाइट में बड़े हैं उम्र में छोटे हैं, नाम जिनका बड़े है, जो मेरे बड़े पापा के छोटे बेटे, ये एक बहुत बड़े शहर में छोटे घर में रहते हैं. लेकिन कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुए है. ये जो हाइट में छोटे उम्र में बड़े, नाम जिनका छोटे, जो मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे, जो छोटे शहर में बड़े घर, छोटे शहर में बड़े घर में रहते हैं. आप सोचो इनका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं? क्या करते? ये बड़े बेचते हैं. और ये क्या करते हैं? ये छोटे बेचते हैं. छोटे क्या होते हैं? छोटे बड़े है ब्रो. क्या बोल रहे हैं ब्रो? बड़े बेचते हैं ना, तो ये छोटे बड़े बेचते हैं. नहीं 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 ब्रो, इत्तफाक का बात देख के ये भी बड़े बेचते हैं. अच्छा. लेकिन फर्क खाली इतना है कि छोटे के जो बड़े होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं. और बड़े के जो बड़े होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. अच्छा. तो बड़े के यहाँ पे बड़े खाने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, और छोटे के यहाँ पे छोटे वाले बड़े खाने के लिए छोटे छोटे लोग आते हैं. कभी कभी बड़े बड़े भी आते हैं. वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग था, बंदे का करेक्टर छूट गया समझाते समझाते. छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं. अभी भाई बोलते रहे कि तुम भी बोलो. नहीं भैया, हम कुछ बोल देंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी ना. ये बड़े छोटे तो चलते रहेंगे, लेकिन ये दोनों प्यार से आपके लिए कुछ मिठाई लेके आए हैं, वो खिलाओ. ओह माय गॉड,
ये देखिए इत्तेफाक देखिए, जो बड़े आपके लिए लड्डू लाए हैं वो छोटे हैं, जो छोटे आपके लिए लड्डू लाए हैं बड़े हैं। ये लड्डू का भी एक कहानी है, मैं आपको सुनाते हैं। ओह गुड गॉड। एक बार नहीं भाई, नहीं नहीं हां चल निकल, बड़ा हो गया तेरा बड़ा छोटा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। I'm sorry, you know, I mean, होते हैं, लेकिन मैं सच में आप लोगों के बहुत 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 बड़े फैन है। वैसे आप लोग इधर आए हैं, मेरा पूछने तो बनते हैं, बताइए आप लोग क्या लेंगे, चाय, कॉफी, माँ बाप? ये क्या फालतू बात हुई? ये घर बसाने वाला बात हुआ ब्रो, मैं फिल्म का ट्रेलर देखे है, ये लोग फिल्म में माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। जैसे आप अपनी फिल्म में माँ बाप ढूंढ रहे ना, जब ये पैदा हुआ पूरा शहर इनके माँ बाप को ढूंढ रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बच्चा पैदा करने की? ब्रो आप जब छोटे थे तो आपको क्या बड़े होके हथौड़ा बनना चाहते थे आप? नहीं, क्यों? मेरे हर बात के बीच में तो फिर आपको ठोकना क्यों है? ठोकना नहीं होता है, टोकना होता है। नहीं नहीं, टोकना तो वो होता है जो कुत्ते करते हैं, भाऊ भाऊ। वो भौंकना होता है। तो भौंकना होता है? नहीं 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 नहीं, भौंकना तो वो होता है ना, वो क्या करते है, वो जो हॉरर पिक्चर में ऐसा डरते है, वो चौंकना होता है। वो चौंकना होता है? नहीं, चौकने तो वो होता है यार, जब आप ना बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं और हाथ में पुलिस वाला ऐसा ऐसा करते हैं, वो रोकना होता है। ब्रो अगर रोकना है तो कृति सैनन को रोको। क्यों? ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा खुशबूरत होते जा रहे हैं। खुशबूरत बहुत ज्यादा खुशबूरत हो रही है, मैं बता रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे सकते हैं, आपके पैदा होने से पहले आपके मम्मी ने मधुबाला जी का फोटो देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तभी जाके ऐसे ब्यूटी हो सकते हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे कशमा चाहेंगे। क्या चाहेंगे? कशमा। कशमा, इट्स साइलेंट। तो मैं आपसे क्षमा चाहते है, आप मुझे बुलाए, मैं आ ना पा सके। उन्होंने तुझे कब बुलाया? आ ना पा सके? नहीं, मैं एक बस स्टॉप पे खड़े थे उस दिन, उसके सामने एक बड़ा होर्डिंग के ऊपर ये लिख के मुझे इनवाइट किए थे कि शादी में जरूर आना, पर मैं वो शादी में आ ना पा सके। अच्छा तू आया क्यों इधर आज? मैं तो इनके साथ वो करना चाहते थे यार, वो क्या बोलते हैं यार, वो हिटलर दो देशों के बीच में क्या करा दिए थे? लड़ाई। वार। वार, वार। और ये भैंस लोग किस में नहाते हैं? तालाब। तालाब, तो मैं वार्तालाप करना चाहते हैं इनसे। हिस्ट्री इसने पूरी पढ़ रखी है, वार्तालाप तेरे से याद नहीं होता है? हिस्ट्री मेरा एक लेडीज टीचर थे ना, इसलिए थोड़ा याद हो गया। तो मैं राजकुमार जी, मैं आपसे अपने शादी के बात करने आए हैं। अपनी शादी के बाद? हाँ। आपको इनसे शादी करनी है? क्यों? नहीं नहीं, देखियो मैं कृति जी से डायरेक्ट बात करेंगे तो वो मना कर देंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे तो मैं शादी का बात आपसे करेंगे, आप मेरे बिहाफ पे थोड़ा शादी का बात। वो तेरी शादी की बात क्यों करेंगे? हाँ तो वो खुद की शादी की बात क्यों करेंगे? अरे वो शादी की बात ही क्यों करेंगे? अरे तुम बुरे को क्या पता ब्रो। वो अपने साथ में लड़की लेके आए, मुझे लगा लड़का देखने के लिए आए होगे। और मैं देखा है कृति जी आपका बहुत सारा फिल्म में, आपको शादी का बहुत जल्दी रहता है, लुक्का छिपी में भी आपको जल्दी था, बरेली की बर्फी में भी आपको जल्दी था, हीरोपंती में आपको जल्दी था, तो हो सकता है कि आप शादी करना चाह रहे हो। मैं सोचा आप आए हैं तो मैं एक अच्छे से लड़का आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, दिखाओ। दिखाओ। राजकुमार के होते हुए वो तुम्हें क्यों देखेंगी? नहीं नहीं, राजकुमार तो पहले से किसी और को प्रेम पत्र लिखा हुआ है। You know, bro. तो मैं कृति जी शादी के लिए हाँ समझू? ओए उनको नहीं करनी कोई शादी, चलो निकलो यहाँ से। आप एक बार लास्ट बार मेरे को देखना चाहेंगे? देखो क्या है ना, मेरे लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट द गाय नीड्स टू बी लिटिल टॉलर। तो ये थोड़ा और so, बढ़ा लो ना। So, थोड़ा और ये बढ़ाना पड़ेगा, अभी पहुंचा नहीं, नहीं तो इनको मेल्ट करवा लेना। टांगे काट दो मेरी ना। एक बार में कहता देख लो, एक बार में तू देख सकता है कोई तुझे? क्या बात हुआ ब्रो, लेकिन इतना सारा है, आप देखो ना, मैं टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, हाइट कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, आई गेट इट आई गेट इट आई गेट इट। तो एक काम करते हैं, आप इधर से जब ही जाएंगे ना जी,
तो जाते जाते आपकी सिस्टर है नुपुर सेनन, हाँ। उनके लिए एक गिफ्ट है हमारे पास इधर पीछे, वो लेके जाइएगा। क्या? एक जीजा। He is not letting you go. मैं इधर पीछे अपने आप को थोड़ा गिफ्ट रैप करके खड़े हैं। जाते इसको जाते थोड़ा सा ऐसे खींचने की कोशिश, मैं अभी करेंगे, मैं जाके पीछे यही मेहनत करने वाले हैं। मैं अपना हाइट बढ़ा के रहेंगे, मैं अभी चलते हैं। All right, I'll see you, but I'm waiting, okay? मैं इधर ही, yeah, yeah, मैं मिलेंगे। All right. अच्छा, आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, और आपके पास टाइम तो होता नहीं कमेंट्स पढ़ने का, तो हमारी पूरी एक टीम है। टीम क्या, अर्चना जी, तो ये पढ़ती हैं सारे कमेंट्स। यस प्लीज। कृति ने कहीं फोटो डाली है, इट्स नॉट योर्स, नो इट्स माइन, इट इज आवर, सो लेट्स प्रोटेक्ट, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वाओ, पहली बार कृति से भी लंबा को देखा मैंने। जिराफ शूटिंग पे आया है या आप जंगल में गई हो? अच्छा, नीचे किसने लिखा, वाह मैडम इसकी लंबाई अच्छी है, ये आपके साथ हीरो सही रहेगा। आगे दिखाओ। जिराफों के साथ खेलती हो इसलिए इतनी लंबी हो। और दिखाइए। लो जी, प्रैक्टिसिंग माई सिंगिंग, पर एक दिन बाथरूम के बाहर भी गाऊंगा। अनसुना कर दिया क्या? इतना महंगा बाथरूम बनाया है, दरवाजे पे कुंडी नहीं है जो गाना गाना पड़ रहा है। ये है एक्टर, नल खोलते हुए पकड़े गए तो गाना गाने लगे। और दिखाइए। मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्लम्बर का काम भी करते हैं। बस फाइव स्टार होटल क्या मिल जाए, ये सब हरकते ही सूझती हैं आम आदमी को। That's true. लो जी, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू। ओहो, इतनी इंग्लिश। आगे कमेंट्स दिखाइए रहा। कपिल हैज कन्वीनिएंटली स्किप्ड माय कैप्शन। या, एंड द कैप्शन इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो हमें नहीं ना समझ आएगी, ब्यूटी तो ठीक है, हमें तो यही समझ आते हैं, मैडम घर से कुर्सी लेके कौन भागता है। बेकार में गाड़ी का वेट कर रही हो, इतनी लंबी हो, चार कदम चलोगी तो 2 किलोमीटर। मैडम कहाँ जंगल में बैठ गई, चींटी चढ़ जाएंगी। रिप्लाई, कहाँ तक चढ़ेंगी, बहुत लंबी है। आगे दिखा। ओ लाइट्स कैमरा एक्शन हैशटैग लूडो। इतने कैप्शन ठीक है, छोटे छोटे दिखाइए। इंटेंस हुए यार। बिजली तो दिख रही है, मीटर कहाँ लगा हुआ है भाई साहब। कपड़े पहने हैं अमिताभ बच्चन के, खड़े हो मिथुन दा की तरह और लग चंकी पांडे रहे हो, वाकई ही में मल्टी टैलेंटेड हो। कुछ भी कह, बंदे का फ्यूचर तो ब्राइट हो गया। हाँ। और ये आदमी अंधेरे में सिक्का ढूंढ सकता है। ध्यान से भैया, अगर गलत जगह करंट लग गया तो हम दो हमारे दो नहीं। ये सबसे फनी था। जस्ट मिसिंग माई न्यू फ्रेंड। वाह, पढ़ लिया तूने। इतना सही था ना, इसलिए उसे अटेम्प्ट किया। हाँ, छोटे छोटे कैप्शन ठीक है। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो कृति, इसी बहाने मेरी माँ भी अपनी बहू को देख लेगी। आप भी पैर से ही बाइक रोकती हो क्या? मैं अब शीतल को मैसेज नहीं करूंगा कृति, बस तुम वापिस घर आ जाओ। और दिखाइए। वाओ, न्यू टर्न टू गेट ए न्यू लुक फॉर ए न्यू कैरेक्टर। वाओ भाई, क्या बात है यार, दिखाइए कमेंट्स। तुम वैसे ही अच्छे एक्टर हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। That's a huge ऐसी compliment. फोटोज डालोगे तो स्त्री आज ही आ जाएगी। हाँ जी, और राजधानी एक्सप्रेस आफ्टर एजेस। Took me back to childhood. On my way back to Gwalior, some lukka chuppi in the train. जी दिखाइए इसके कमेंट्स। हमें तो भीड़ भाड़ ही मिलती है, अकेली बैठी हुई है। कंबल मत लेके जाना, उस पे रेलवे लिखा रहता है। <laughs>
जूते पंखे के ऊपर रख देना चोरी हो जाएंगे. ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन होता है. एक्सपीरियंस वाले. ट्रेन में आपके फोटो वाला पेपर सोप मिलता है, आपको उसका कितना परसेंट मिलता है? क्या मतलब? फोटो वाला पेपर सोप मिलता है? What? They keep using actors and actresses photographs faces, on the... अरे पर पैसे नहीं दिए. वो मिलते भी नहीं कभी. आगे दिखाइए. पर्दा लगा लो, सामने वाली ट्रेन का टीसी कूद जाएगा. नॉन सेंसिटिव गर्ल. कितनी ही क्यूट बन लो, टिकट तो लेनी ही पड़ेगी. वाओ. This one is good. राजकुमार जी नमस्ते. ढाई किलो. रोहिणी जी नमस्ते. नमस्ते. बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं बाबा? मैंने आपको सब्जी लाने के लिए भेजा था, आप पूरा का पूरा ठेला ले आए हैं. अरे तो उसके पास थैला नहीं था तो मैं ठेला ले आया. क्या हो गया उसको? सब्जी वाले ने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं कुछ नहीं बोला वो. हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं. सब्जी वाले ने कुछ अब मैं समझ गया कि सब्जी वाले ने आपसे कुछ क्यों नहीं कहा. क्या करते हैं आप पापा? ये कोई तरीका हुआ बेचारा. भैया जी हमारा ठेला वापस करिए. अच्छा तो मैं सब्जियां कहाँ रखूंगा फिर? पापा वो सिर्फ ठेला नहीं मांग रहा है, सब्जी के साथ मांग रहा है. अरे सब्जी के साथ लोग रोटी मांगते हैं, चावल मांगते हैं. ठेला कौन मांगता है? बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं, गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर. क्यों वो भी ठेला लाए हैं क्या? वो फिल्म लाए हैं. किसकी? अपनी. तो ये कौन है, ये क्या कर रहा है यहाँ? बाबा ये आपकी वजह से आया है. मेरी वजह से? और क्या. वाह बेटा वाह. आज ये लड़का मेरी वजह से यहाँ तक आया है. वाह मेरा आशीर्वाद है बेटा तुझे. आशीर्वाद? पापा वो अपना ठेला लेने आया है. तो ठेला लेके जाना. क्या लगा रखा है इतनी देर से तूने? जा मेरा आशीर्वाद वापस दे. हट. वास. पापा इनकी फिल्म आ रही है, मुबारकबाद तो दीजिए. अरे क्यों नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो. इनकी फिल्म आ रही है, तुम दो तुम्हारे दो. अरे नहीं नहीं पापा, हम दो हमारे दो. तो उनकी आ रही है तो हमारे दो कहाँ से होंगे? उनके ही होंगे ना. अब इनकी फिल्म भी हड़प ले तू. बात कर रहा है यार बेटा. बहुत अच्छा लगा मुझे बेटे. आपकी जो फिल्म है मैंने देखी, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी यार. बाबा वो ट्रेलर था. ट्रेलर तो ये स्त्री में थे. बाबा वो दूसरी फिल्म है. दूसरी कहाँ, इनकी 26वीं फिल्म है वो. क्या बात कर रहा है, इससे पहले 25 फिल्में कर चुके हैं वो. बाबा मेरे कहने का मतलब है वो अलग फिल्म है. सबसे पहले तू डिसाइड कर ले वो अलग फिल्म थी कि दूसरी फिल्म थी. डिस्टर्ब किया जा रहा है. इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं आप दोनों ने. ऑलराउंडर हैं ये लोग. ऑलराउंडर. हाँ अरे इनकी फिल्में लोग देख भी सकते हैं बेटा और खेल भी सकते हैं. खेल भी. ये क्या बात हुई पापा? इनकी जैसे वो आई थी लूडो. लूडो. देख भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं. तो है. फिर आपकी आई थी लुका छुपी. है वो देख भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं. फिर वो फिल्म थी बरेली की बर्फी. वो कैसे खेल सकते हैं पापा? सारा दिन खेलता ही रहेगा क्या, पेलेगा नहीं कभी. वैसे मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आते हैं जी. ये जैसे आपकी छलांग थी, वो पहले मेरे पास आए थे. अच्छा. मैंने कहा रहने दो यार, ये ऑडियंस जो है शर्मा जाएगी. क्यों पापा? अरे क्योंकि जब मैं छलांग लगाता हूँ ना, स्कर्ट ऐसे ऊपर हो जाती है मेरे को. मैं शर्म आती है मुझे. वैसे राजकुमार जी, मैंने आपकी व्हाइट टाइगर देखी लेकिन उसमें कोई टाइगर नहीं था. फिर मैंने आपकी न्यूटन देखी
उसमें भी पेड़ से कोई एप्पल गिरा ही नहीं। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? तुमको क्या कह रहा है तू? हैं? तेरी भी तो जीत आई थी, उसमें का कोई मैच हुआ था तो तू जीत गया। फिर तेरी इम्तिहान आई थी, तूने क्या स्कूल में जाके इम्तिहान दिया था? हैं? जब कर्ज की थी तो क्या लोन लिया था तूने? उनकी कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म आ रही है, भी कितनी कमाल की है, मैंने ट्रेलर देखा। इसमें आप अपने बाप ढूंढ रहे हैं जी। तूने कभी अपने बाप को ढूंढा? बाबा आप कभी खोए ही नहीं तो मैं कैसे ढूंढूं? अच्छा, तेरे ढूंढने के लिए अब मैं खो जाऊं? बस बाबा आप खो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको खोने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब खुद के डायलॉग खत्म हो गए ना तो सुनील शेट्टी के बोलना शुरू कर दिया। उसके भी सुना, अनुपम खेर के सुना? वो नहीं आते मुझे। करता। पापा ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप बैठिए ना पापा। अब कृति जी आई है, हमारे रिश्ते की बात कीजिए ना। ओ गुड गॉड। ठीक है। ये है क्या था? बेटे जी, बहुत बढ़िया करियर की शुरुआत की आपने, भीरोपंती से मैंने देखा जो शुरुआत की करियर कहाँ, बहुत बढ़िया फिल्में कर रहे हैं। थैंक यू। ये रिश्ते में मेरा बेटा है और रिश्ते में मैं उसका बाप हूँ। हो गए रिश्ते की बात? बाबा हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और इनके रिश्ते की बात कीजिए। अबे ऐसे कैसे करूंगी, लड़की सामने बैठी है, कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था तेरे को। मैं लाया हूँ ना बाबा। क्या गिफ्ट लाया है? लाया हूँ। अरे वाह। कृति जी जी, मैं आपको पप्पी देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं पापा, मैं पप्पी मतलब ये देखिए, ये वाला पप्पी, मैं आपके लिए पप्पी लेकर आया हूँ, ये देना चाहता हूँ। ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग। बेटा ये खुलता कहाँ से है? पापा ये कुत्ता है, पापा कुत्ता है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुलता कैसे, मतलब फ्रैंक कैसे होगा ये? मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा। वाओ। एक मिनट, वो मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये चलते एक्ट में कौन मूछे लगाकर आ गया? अरे मैं बलवंत राय हूँ, अपने बेटे को समझाओ, बार बार मेरा कुत्ता लेके आ जाता है यार। अच्छा आप हैं बलवंत राय? हाँ। क्या बात है, मैंने तो सुना था हर कुत्ते के दिन आते हैं। हाँ। लेकिन कुत्ते के मालिक आते हैं, पहली बार देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे जब देखो बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आता है? बाबा ये झूठ बोल रहे हैं, हर बार मैं बलवंत राय का कुत्ता नहीं लाता, मैं काफी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला कुत्ता इनका नहीं है, ये तेरी मेहरबानियां वाला कुत्ता है। हाँ ये देखिए मेरे पास, हम आपके कौन वाला कुत्ता भी है, काफी और भी वैरायटी है मेरे पास। ये वाला बलवंत राय का कुत्ता है, कलेक्शन है। वाह वाह वाह, ब्लैक ब्लैक साहब। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो बलवंत राय कुत्ता आपके हाथ में है। ओ सॉरी। वाह, क्या बलवंत राय पाल के रखा है तूने, बहुत अच्छा। ख्याल रखो बेटा, इसको बांध के रखा करो, नहीं तो फिर ले आएगा वो किसी दिन, ठीक है? हाँ चलो। और राजकुमार जी, चलता हूँ, अभी मेरे लेटने का वक्त हो गया है। एक मिनट पापा, ये कौन सा लेटना हुआ? वो मैं ऐसे अंगूठा डाल के लेटता हूँ ना, ऐसे करके। क्या हुआ, क्या बार बार गेट्स के सामने मुझे ऐसे तू करता रहता है? ठीक है बाबा। खैर बेटे चल, अभी हमारे जाने का वक्त है। ब्लैक डॉग ले जाइए। हाँ जी, ब्लैक डॉग बहुत जरूरी है वो पापा के लिए। आप लोग आए हमें बड़ी खुशी हुई, और आप लोग हमारे साथ डांस करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं पापा। हाँ। बोलते हैं हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ तो वो कहते क्यों नहीं मुझे फिर? अरे पापा वो सेलिब्रिटी है, उनकी फिल्म आ रही है। वो सेलिब्रिटी का हम क्या चंगू मंगू है क्या? हम भी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.